तो हेलो गाइस, डे टू में आपका स्वागत है। और मैं जाने वाला हूँ अपना, मैंने सोचा मेरे हेयर बहुत रफ होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि आज हेयर स्पा करवाने के लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डे टू। मैक्स, ओए मैक्स, तू ठीक हो आज बेतू? तो गाइस, बाहर बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा कि आज चिड़ियाओं को भी बाहर रख दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो यहाँ धूप में इन्हें रख देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ हाँ इस सैलून में अपना हेयर स्पा करवाने के लिए, और अभी चालू हो चुका है प्रोसेस हेयर स्पा का। ये देख सकते हैं, अभी स्टीम लगा के उन्होंने हेयर स्पा चालू कर दिया है। अभी इस पर विटामिन ई एंड ओमेगा 3 के कैप्सूल्स का और सबका क्रीम का मसाज किया था, उसके बाद ये स्टीम लगा के अच्छे से स्टीम देकर उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा इसके बाद का रिज़ल्ट। तो गाइस, हो चुका है मेरा हेयर स्पा कंप्लीट और मैं आ चुका हूँ घर, और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्मूथ हेयर हो चुके हैं मेरे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरा हेयर स्पा, और हेयर स्पा कराते रहना चाहिए, इससे आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप लोग बताएं कि हेयर स्पा कैसा हुआ है, अच्छा लग रहा है क्या नहीं हेयर स्पा। तो गाइस, मैक्स के लिए मैं लेके आया हूँ ORSS का पाउच, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, तो मैंने सोचा कि उसको ORS का पाउच ना घोल के पिला दें, ताकि वो थोड़ी सी एनर्जी है उसमें। उसने 4 दिन हो गए आज और उसने कुछ भी नहीं खाया है, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हमने कल भी गए थे डॉक्टर के पास, तो उसको 4 इंजेक्शन लगवाए थे, पर अभी भी वो ठीक नहीं है। तो उसको ORS का पाउच खोल के पिलाते हैं। तो इस कप में हम घोलेंगे, और चम्मच से या उसके एक इंजेक्शन लेके आता है, मैं उससे पिलाता हूँ उसे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि पूरा पैकेट डालते हैं आधा, अभी तो मैं पूरा घोल लेता हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाऊँगा। शायद इसे अच्छी एनर्जी मिले उससे, तो इसलिए मैं अभी इसको पूरा घोल लेता हूँ, ताकि मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा डाल दिया है मैंने इस पानी में, तो मैं इसे पानी बढ़ा देता हूँ। मैं इस कटोरे में घोल लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया पानी। अब उसको दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पिलाता रहूँगा, ताकि उसको एनर्जी अच्छी आए। तो गाइस, इस इंजेक्शन से मैं उसको पिलाता हूँ दवाई सारी, इससे बहुत आसानी होती है। आपको कोई पेट बीमार हो तो आप इसी इंजेक्शन से, मतलब इसी टाइप के इंजेक्शन से पिला सकते हैं। और इसमें मैंने अभी दवाई भर रखी है, ये वाली, ये उसकी उल्टी की दवाई है। पहले मैं उसको उल्टी की दवाई पिलाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, उसके बाद फिर मैं उसको ORSS का पाउच पिलाऊंगा, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। कहाँ छुप के बैठा है बिल्लू, पी ले वो। मैक्स आजा, इधर आ, दवाई पिला, इला इधर आ। अच्छा, उधर मुँह करेगा। लो झूले पे बैठा तू, मैं तुम्हारा पानी लेके आ रहा हूँ, जब तक किले झूले पे बैठा। चुपचाप मुंह बंद करके दवाई पियो, समझ आई? मैक्सू
थोड़ी सी दवाई पियेंगे, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी, बस बस बस। तो फ्रेंड्स, बिल्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो हम उसको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके गए। तो अभी हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जो हमने गूगल मैप पे से निकाला है। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं उसके। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पर क्लिनिक पर, भागेल पेट क्लिनिक, जो कि गुफा मंदिर के अपोजिट में है। और अगर आप भोपाल से हैं तो आप यहाँ पर अपने पेट्स को दिखा सकते हैं। ये प्राइवेट क्लिनिक है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले थोड़ा सा मतलब ध्यान कम देते हैं, इसलिए हम उसको प्राइवेट लेके आए। यहाँ पर इसको ड्रिप चढ़ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इसने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो और वैसे भी आप लोगों को ना मतलब आपने पेट्स रखे हैं तो आपको उसकी केयर करना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छे से। ये आप बोर्ड देख लीजिए, इस पे उनका नंबर और टाइम लिखा हुआ है क्लिनिक का, तो आप आए तो यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग हो चुका था उसका काम, तो हम आए वड़ा पाव के स्टॉल पे। यहाँ पर हमने पैक करवाए थे कुछ वड़ा पावस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मैं घर आया तो मैंने देखा यहाँ पर खिचड़ा रखा हुआ था, क्योंकि वो जो कि छोटी खाला के यहाँ से आया था। तो अभी हम लोग खाएँगे खिचड़ा और देखेंगे थोड़ी देर टीवी। फाइनली सेकेंड डे व्लॉग इज़ ऑल्सो ओवर एंड आई एम ट्राइंग टू मेक अ बेटर व्लॉग। इसी के साथ मैं सेकेंड डे का व्लॉग एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।